हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एप रिव्यू सिस्टम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो को बताते हैं दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं स्ट्रीम मेकर लाइव स्ट्रीम एंड चैट एप्लीकेशंस, क्या इस एप्लीकेशंस को आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको हमारे मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर के ऐप पर देखने के लिए मिल रहा होगा, हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन है जिसका के नाम है स्ट्रीम मेकर और उसके बाद लाइव स्ट्रीम एंड चैट। यानी दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन से क्या होता है और इस एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों आज की मदद से हम आपको फुल डिटेल बताने वाले इस वीडियो की मदद से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों आप हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कि हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम स्ट्रीम मेकर लाइव है। तो दोस्तों आप जो यहाँ पे बहुत ही आराम तरीके से लाइव भी आ सकते हैं एंड किसी से भी वीडियो कॉल जो है चैट ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों डेटिंग एप्लीकेशंस होता है, डेटिंग ऐप होता है कि डेटिंग ऐप में आप किसी से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं एंड टेक्स्ट चैट मैसेज कर सकते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी होता है। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे फॉलोअर बढ़ाने वाला काम इस वाले एप्लीकेशन में भी होता है। तो चलिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर तीन तरीके से साइन इन करने के लिए कहा जा रहा है, फेसबुक से, गूगल से एंड ट्रू कॉलर से। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ट्रू कॉलर वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे ट्रू कॉलर वाले बटन पे क्लिक कर देने के बाद जो है हम यहाँ प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे ट्रू कॉलर से लॉगिन हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं दोस्तों अब जो हमारा यहाँ पे ट्रू कॉलर से लॉगिन हो चुका है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे जो हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप हमारी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देखेंगे कि स्ट्रीम मेकर लाइव वीडियो चैट एप्लीकेशन जो था, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उससे जो आप बहुत ही आराम तरीके से वीडियो कॉल एंड वीडियो चैट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपका इसमें से जो कॉइन्स होना ज़रूरी है तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे एक दो कॉल लग जाए तो लग जाए, अलग बात है। चलिए दोस्तों इस स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देने के लिए मिल रहा है। नीचे पांच ऑप्शन से ये देख सकते हैं आप हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर, प्रोफाइल का, मैसेजेस का एंड वीडियो कॉल का, उसके बाद वीडियो का एंड होम वाले बटन का। और उसके अलावा ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके प्रोफाइल का ऑप्शन है और यहाँ पर ट्रॉफी का ऑप्शन है। चलिए दोस्तों ये प्रोफाइल का नहीं ऑप्शन है दोस्तों, ये जो एप्लीकेशंस का जो है फीडबैक देने के लिए कहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हम प्रोफाइल वाले बटन पर सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, स्माइल टाइप का जो बना हुआ है इस वाले बटन पे। अब ये जो दोस्तों आप हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर देखेंगे ये हमारा यहाँ पर बना हुआ आईडी है, ये कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं आप बहुत ही आराम तरीके से किसी से भी वीडियो कॉलिंग बात करने के लिए यहाँ से आप जो है रिचार्ज कर सकते हैं टॉपअप का। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अर्निंग का भी ऑप्शन है, चलिए अर्निंग वाले बटन पे क्लिक करके देखते हैं क्या इसमें से अर्निंग कैसे क्या जा सकता है। अब देख लीजिए ऑफिशियल टैलेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया जा रहा है, कन्वर्ट तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों काम नहीं करने वाला। होम वाले बटन पर आते हैं एंड वीडियो कॉल वाले बटन पर जाके देखते हैं कि किसी से वीडियो कॉल हो सकता है या नहीं, चलिए अलाउ कर देते। अलाउ कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देने के लिए मिल रहा है। अब दोस्तों आप देख ले सकते किसी से भी बात करने के लिए, किसी को भी देखने के लिए यहाँ पे जो है वो हमें जो है लाइव जाना पड़ता है लाइव। तो दोस्तों लाइव जाने के लिए अगर आप अच्छे हैं दिखने में, खूबसूरत है या कुछ अलग जगह है, आप कहीं अलग जगह पे है तो कुछ इस प्रकार से अगर आप लाइव हो आएंगे तो आपका जो है यहाँ पे व्यूज बढ़ेगा, आपको लोग ऐड करेंगे, देखेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें रहेंगी तभी तो देखेंगे, नहीं तो आपको कौन देखने वाला है इसे। तो इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन को चला सकते हैं। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।